PMKVY योजना के तहत सरकार युवाओं व महिलाओं को, युवतियों को देने वाली है बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग विभिन्न ट्रेडों में। आप जिस भी ट्रेड में लेना चाहें ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्लस आपको 8,000 रुपये ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा, प्लस आपको रोज़गार प्लस नौकरी भी दिलाई जाएगी। इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। PMKVY के ट्रेनिंग के साथ सरकार देगी 8,000 रुपये। जल्द ही करें आवेदन और रजिस्ट्रेशन। 30 सितंबर की जानकारी है और आज है 1 अक्टूबर, यानी कि एक दिन पहले की अपडेट है। यदि आप भी हैं बेरोज़गार और नौकरी की तलाश में हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा देश के बेरोज़गार युवाओं के लिए शुरू की गई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऐसे बेरोज़गार युवा युवतियों के लिए शुरू की गई है जो रोज़गार पाना चाहते हैं। उन्हें सरकार इस योजना के तहत फ्री ट्रेनिंग के साथ रोज़गार के लिए तैयार करेगी तथा ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को 8,000 की आर्थिक सहायता भी देगी। यहाँ पर इसके साथ प्रधानमंत्री फ्री कौशल विकास योजना के तहत आवेदन करने वालों को बता दें कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अच्छी कंपनी में रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। और इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का कोर्स होता है, जिनमें सरकार आवेदनकर्ता को एक स्किल के आधार पर पूरी ट्रेनिंग देती है। यानी कि आप चाहें तो 1 साल वाली ट्रेनिंग लें, आप चाहें तो 3 महीने का भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप चाहें 6 महीने का। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके की ट्रेनिंग किस ट्रेड में ले रहे हैं या कितने महीने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। उसी अनुसार सरकार आपको ऐसे युवक युवतियां जो बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए केंद्र सरकार PM कौशल विकास योजना के तहत रुचि और योग्यता के आधार पर संपूर्ण कोर्स का फ्री प्रशिक्षण दिया जाएगा। और PM कौशल विकास योजना में भाग लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही साथ इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। अब देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। इस योजना का लाभ देश के बेरोज़गार युवक युवतियों को मिलेगा जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। इसमें आपकी रुचि के अनुसार कौशल विकास मिल जाएगा और आपकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही मनपसंद कोर्स प्रशिक्षण के प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ ही साथ उसकी मदद से आप पूरे भारत में कहीं भी रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान यहाँ पर आपको अनुभवी टीचर द्वारा मार्गदर्शन भी प्राप्त कराया जाएगा। अब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, देख लीजिए। PM तो इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए, युवा का आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, चालू मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए होना चाहिए। इसको आप ऑनलाइन जाके CSC साइबर कैफे जनसेवा केंद्र से जा कर के कर सकते हैं। साथ ही साथ ये PMKVY 4.0 चल रहा है, यानी कि चौथा चरण चल रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। इसके तहत आप फ्री ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं और सरकार द्वारा रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ 8,000 रुपये भी दिए जाते हैं। तो आपको बता देना चाहेंगे कि स्किल डेवलपमेंट के तहत ये योजना चलाई जा रही है, ये स्कीम, जिसमें युवाओं की स्किल को निखारा जाएगा, स्किल को बढ़ाया जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। ये योजना लगभग चौथा चरण चल रहा है इस योजना का, यानी कि चौथा साल है ये। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0
का नियम यहाँ पर चल रहा है। बाकी यहाँ पर आप सभी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग आपको भारत के 6 राज्य और 114 जिले में मिलने वाली है। 200 से प्लस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। 33 सेक्टर हैं यहाँ पर, और जिसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर यानी कि खेती किसानी, इन सभी से संबंधित बहुत सारी ऐसे प्रशिक्षण हैं जो आपको दिए जा सकते हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसमें महिला हो या स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला हो या कोई युवा हो, हर एक व्यक्ति इसमें आवेदन करके इसमें इस योजना के तहत ट्रेनिंग ले करके 8,000 रुपये ले सकता है। ट्रेनिंग के बाद आपको 8,000 रुपये सरकार देगी और साथ ही साथ आपको इस योजना के तहत सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद जब आप पैसा मिल जाएगा आपको 8,000, सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ ही साथ आपको लोन भी मिलेगा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए। इसी तरीके की सरकार बहुत सारी योजनाएँ चला रही है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत आज से 4 साल पहले की गई थी, आज 4वां साल चल रहा है ये, और इस योजना के तहत बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लाभ हुए हैं, थोड़े लाभ नहीं हुए हैं। अब इसमें चाहे स्वयं सहायता समूह से संबंधित दीदी हो या पुरुष हो या महिला हो, सभी लाभ ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8,000 रुपये प्लस आपको मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ इस योजना के तहत आप जब ट्रेनिंग लेकर सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे ना, तो आप कहीं भी भारत में जा कर के नौकरी कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी हो, यानी कि प्राइवेट जगह भी आपको जॉब मिल जाएगी उस एक सर्टिफिकेट से केवल, है ना, क्योंकि आजकल प्राइवेट जगह जॉब जल्दी मिलती नहीं है। सरकारी में तो मान लीजिए सरकारी प्रशिक्षण आपने लिया है तो आपको मिल जाएगी, लेकिन प्राइवेट में करना चाहते हैं जो लोग, उसे प्रशिक्षण नहीं मिलता है जल्दी, और वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर नौकरी इस सर्टिफिकेट के ज़रिए बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी, कहीं भी दौड़ना धूपना भी नहीं पड़ेगा। और बहुत ही अच्छी ये अपडेट थी आप सभी के लिए। इसी योजना के तहत एक और योजना सरकार ने अभी लॉन्च की है, विश्वकर्मा पूजा के दिन लॉन्च की थी ना विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की थी, वो भी कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन इसमें 8,000 रुपये ट्रेनिंग के बाद मिलेंगे, और उसमें जो है जब तक आप ट्रेनिंग लेंगे रोज़ाना आपको 100-100 रुपये देंगी सरकार, और उसमें भी कुछ ऐसा ही है, और उसमें 3 लाख तक का आपको लोन दिया जाएगा कम ब्याज पर, है ना। तो ऐसे ही करके बहुत सारी योजनाएं हैं जिसकी वीडियोस सारे हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं। आपको जिनकी वीडियोस चाहिए कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो अलग से बनाएंगे ज़रूर, और इन डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगी, जाकर के योजनाओं की चेक कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।